नहीं, मुझे लाइट से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं सो जाऊंगी, तुम यही काम करो। पक्का? हाँ। वो एक्चुअली पता है क्या है, मैं जब अपना लैपटॉप यूज करता हूँ ना, तो टाइप बहुत फास्ट करता हूँ, कड़ कड़ कर आवाज आती है, और फिर ऊपर से कोई फाइल निकालूंगा, कोई बुक निकालूंगा, तो फिर खटपट की आवाज रहेगी, उससे तुम्हारी नींद डिस्टर्ब हो जाएगी, तुम सो नहीं पाओगे अच्छे से। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं एडजस्ट कर लूंगी, तुम यहीं रहो, मतलब तुम यहाँ पे रहोगे ना तो मुझे डर नहीं लगेगा, प्लीज प्लीज। अच्छा ठीक है। काम का बहाना तो कर लिया, पर काम तो है नहीं, अब क्या करूं? क्या कोई मूवी देख लूंगा रात भर लैपटॉप पे। हाँ एक्चुअली मुझे लाइट्स की जरूरत नहीं है, एक प्रोजेक्ट देख रहा हूँ तो बिना लाइट के भी देख सकता हूँ, तुम सो जाओ आराम से। कितने केयरिंग है राजीव, उन्होंने लाइट बंद की ताकि मैं आराम से सो जाऊं, मेरे लिए कितना सोचते हैं। या दीदी, यहाँ पर भी धूल है, साफ करना पड़ेगा। कमला, आरती का थाल रेडी है? ये ठीक है, तुसी मिठाई वाले ने बोल दिता सी ना, मनदीप वो भटूरे का मैंने आटा लगाया था, भूल गया होगा ना? पता नहीं पचा जी, मैंने देखा नहीं। हाँ तो देख लेना, जा। अरे सिमर। जी ताई जी। पुत्र वो सूखा आमला मिला? नहीं मिला। नहीं मिला? अरे वो ही तो छोले उबालते वक्त उसमें डालना था, उसी से तो रंग आता है। अब क्या दामा जी को सफेद छोले खिलाऊंगी? एक काम करती हूँ, वंदना के पास होंगे उसी को बोल देती हूँ, जा तो उसे ले आ, जल्दी जाओ, वो लोग आने वाले होंगे, जल्दी जा। मंदीप बेटा, तू वो चाय का और नया सेट है ना, वो निकाल दे जल्दी से, जल्दी से। हाँ हरमन जी, यही चाहते हैं ना कि हम लोग यहाँ नौकर बनकर रहे, यहाँ मेरी बेटी जाए आंवला लेने और मैं वहाँ चाय का सेट निकालकर उनके हाथ में दूँ, दोनों का भगवान की तरह स्वागत जो करना है। ओए रब्बा, क्या थी मैं और क्या हो गया है, देखो क्या क्या करना पड़ रहा है इस घर में। अरे अरे पानी, हो क्या हुआ? अरे कोई है मम्मी? बॉन्टी, कोई है मम्मी? परी? हाँ मैं हूँ यहाँ। अरे मेरी आँख पे साबुन चला गया है, मुझे मुंह धोना है, और ये पानी खत्म हो गया है, जल्दी कुछ दो पानी, जल्दी जल्दी जल्दी। हाँ हाँ ला रही हूँ। एक मिनट एक मिनट, जल्दी 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 जल्दी, अरे जल्दी, मेरी आंख जल रही है। अरे भाई जल्दी, अरे जल्दी करो प्लीज। अरे जल्दी, मेरी आंख जल रही है, जल्दी पानी दो, जल्दी पानी दो। पानी दो, पानी दो।
सुनो, क्या तुम मेरी मांग में सिंदूर भर दोगे? लेकिन सिंदूर तो शादी के टाइम लगाते हैं ना। हाँ, पर ऐसा कहते हैं कि शादी के कुछ टाइम बाद तक अगर पति सिंदूर भरे ना तो उसे शुभ माना जाता है। अगर तुम ऐसा करोगे तो मुझे अच्छा लगेगा, प्लीज। क्या है यार ये सिंदूर लगाना शुभ अशुभ? कसम से घुटन हो रही है अब तो। मुझे मन कर रहा है कि अभी के अभी भाग जाओ यहाँ से। खुले बालों में तुम बहुत सुंदर लगते हो, सुंदर हो, काफी सुंदर, लेकिन खुले बालों में काफी खूबसूरत लगते हो। अरे पुत्र जी, तुम लोग अभी तक तैयार नहीं हुए, सब वेट कर रहे होंगे वहां पर ना। जी मम्मी जी, मैं जाने के लिए रेडी हूँ। हमें से छोड़ने के लिए तो जाते जाते छोड़ देना और आते वक्त लेके आना है। हाँ जी मम्मी जी, चले। चल मिशी। ना जी ना, हमेशा कहा है गले लगा कर, जल्दी आ जाना। चल जल्दी कर। अरे इतना सुबह सुबह रेडियो के करती क्या है तू? वीडियोस बनाती हूँ, देखो। नहीं नहीं, क्यों देख, मैं जाता हूँ। अरे परछाई जी, आप जा रहे हो? अरे यार, मुझे आपकी कितनी याद आएगी। जल्दी वापस आना। हाँ, मैं जल्दी आ जाऊंगी। अच्छा आपको पता है, आज सुबह वीर जी ना मुझे बोल रहे थे कि उनको आपके हाथ का गाजर का हलवा ना बड़ा ही पसंद आया। सच्ची? हाँ सच्ची। अब तो आप जा रहे हो ना, वीर जी का आपके बिना मन नहीं लगेगा इधर। मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी, वेट कर रहे हैं। जल्दी आना। Bye. Bye. अब हाँ, मैं कॉल बैक करता हूँ। ओके अगर ऐसे ही बोल दिया कि जिस दिन से तुम्हें देखा था उसी दिन से चाहने लगी थी तो क्या सोचेंगे राजीव? तुम कुछ बोल रही थी, बोलो। नहीं नहीं, वो कुछ नहीं, ऐसे ही। कुछ तो था, तुम बोल रही थी, बोल सकती है, बोलो बोलो। गाजर का हलवा। गाजर का हलवा मतलब? वो जब हम वापस आएंगे ना तो मैं गाजर का हलवा बना दूंगी।
कीर्ति ने बताया कि तुम मोंटी से बात कर रहे थे हलवे के बारे में। अच्छा, तुम्हें पता है मेरा बनाया हुआ गाजर का हलवा दो लोगों को सबसे ज्यादा पसंद है, एक तुम और एक मेरी बेस्ट फ्रेंड। पता है तुम दोनों बिल्कुल एक जैसे हो, दोनों को ही ठंडा हलवा पसंद है। चलो मेरे जैसा कोई तो है, मेरा पार्टनर। वैसे नाम क्या बताया तुमने उसका? अरे ठीक हो तुम? अरे देख के नहीं चला सकते हो क्या? खुद तो मरते मुझे मरवाते, तुम जैसे लोगों की वजह से एक्सीडेंट होते हैं। सॉरी सॉरी। तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, क्योंकि तुम्हें तुम्हारे घर जब तक सही सलामत नहीं छोड़ देता तब तक मुझे मेरी आजादी नहीं मिलेगी, मेरे सपने पूरे नहीं होंगे। थैंक यू बाबा जी, राजीव को मेरी कितनी चिंता है, राजीव के होते मुझे कोई चोट नहीं पहुंचा सकता। मम्मी ये देखो ना, वेडिंग की फोटोज कितनी प्यारी आई है। हाँ तू ही देख। ये क्या है? एक्स्ट्रा कपड़े थे। अरे मम्मी आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? क्या मतलब है? ये तो परी परजाई जी के सूटकेस है ना। लेकिन और तेरे को कुछ काम वाम है कि नहीं है? चल अंदर, चल के पढ़ाई कर, कॉलेज खुलने वाले ना तेरे, हैं? खत्म हो गया शादी ब्याह का मौसम, पर लगाओ एक चपेट मुंह पर, चल अंदर। सर खराब कर देता मेरा। ताई जी, चाची, ताई जी, ताऊ जी, जी जी, मम्मी जी, पापा जी, परी आ गई। हमने भी चीजों की कार देखी। की कर दियो तुसी, दामाद जी का स्वागत तो कर लेने दो, दामाद जी का तो औहदा ही बहुत बड़ा होता है। ला ला ला। मम्मी जी ये सब करने की क्या जरूरत है, और वैसे भी ये सब बातें तो पुरानी हो चुकी है ना। और पुत्र जी पुरानी है, लेकिन ये रस्में करनी बहुत जरूरी होती है ना जी। बिल्कुल। और वैसे भी आप पहली बार आए हो तो हमें अच्छा लगेगा। जी मैं खाना लगवाती हूँ। जी हाथ कहाँ पे धोऊँ मैं? जी जो मैं ले जाऊँ हाथ धुलाने, या दी के साथ जाओगे? सिमी हरमन जरा आए, कल करने से। जी जी वीर जी आइए। क्या हो गया तुम दोनों को? हाँ जी सामने बैठे थे और तुम दोनों समझते नहीं हो। पुत्र जी आपको ना परिणीत ले जाएगी। परिणीत? पुत्र चले जा राजे। हटती नहीं हो तुम दोनों। चलो मैं खाना लगवाती हूँ, जा पुत्र जा। आ जाओ तुसी मेरे नाल, आ जाओ सर मंदिर पा जाओ। बीजी मैं बाकी तैयारी करती हूँ। जाऊं सर। ये मेरा रूम है, अब वो वॉशरूम वहां है। अब नैपकिन चाहिए था। तुम चलो मैं देती हूँ। Thank you. वो जब हम अकेले होते तुम बिल्कुल चेंज हो जाते हो। चेंज हो जाता हूँ मतलब?
कुछ समझा नहीं। मतलब जब तुम सबके साथ होते हो तो बातें करते हो और इतनी अच्छी बातें करते हो कि मेरा मन करता है कि मैं तुमसे बात करूं, पर सबके सामने तो शर्म आती है। और जब हम अकेले होते हैं तो मेरा मन करता है कि मैं तुमसे बात करूं, लेकिन तुम बात ही नहीं करते, नर्वस और परेशान से लगते हो। ऐसे तो मैं भी तुम्हारे बारे में बोल सकता हूँ, मतलब जब हम दोनों साथ में होते हैं तो मुझे थोड़ी शर्म आती है, लेकिन जब मैं फैमिली के साथ होता हूँ, बाकी लोगों के साथ होता हूँ, तुम बात नहीं करती, मैं करता हूँ। शायद हमारी पर्सनैलिटी ऐसी है, जहाँ एक बोलता है वहाँ दूसरा शांत रहता है। ये मैं नैपकिन कहाँ सुखाऊँ? अब यहीं रख दीजिए, मैं बाद में रख दूँगी। नहीं नहीं, जब भी मैं नैपकिन यूज़ करता हूँ या तो उसको वॉशिंग मशीन में डालता हूँ या तो सुखा देता हूँ। इसको मैं वहाँ सुखा देता हूँ। सॉरी वो नहीं, आई एम सॉरी, वो मैंने देखा नहीं। अब वो हवा से गिर गया था, मैं उठा देता हूँ। उस लालची को तो ऐसे खाना खिला रही है जैसे कहीं का राजकुमार आया। अरे मंदीप, तू खड़ी क्यों है? चल आ जा, कम करा नाल। ऐसे आओ भगत, क्या बात है मंदीप? सुबह से देख रही हूँ तेरा मूड कुछ अलग है, क्यों कर रही है तू? तू खुश नहीं है क्या? ऐसी कोई बात नहीं है परचाई जी। देख मंदीप, अगर मुझसे कोई गलती हो गई है ना, तो उसके लिए मैं तुझसे माफ़ी मांगती हूँ, पर आज मेरा दामाद घर पे आया है, उसके सामने ऐसे पेश ना आ। समझ गई ना? चला जा। जिस बात का डर था ना, वही हुआ। आखिर इस घर को वारिस दिया है मैंने, उसके बावजूद कोई इज्जत नहीं मेरी। अरे नौकरों की तरह बर्ताव करते हैं मुझसे, लेकिन अगर आज किसी ने भी मुझसे कुछ भी बोलने की कोशिश करी ना, तो आज वो होगा जो कल नहीं हो पाया। जमीन की सारी बात बताकर राजीव और परी की शादी छुटवा दूंगी, फिर देखती हूँ कोई क्या कर लेता है।